कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 जय श्री राम। सभी को नमस्कार। आज का शुभ दिन अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी, गोपाष्टमी, आज गो दर्शन, गो पूजन, गो सेवा नित्य करना चाहिए। आज का विशेष दिन है गोपाष्टमी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी, सोमवासरम सोमवार, आज श्रवण नक्षत्र, शूल योग और भद्रम कर्ण। सूर्योदय सुबह 6:10, 6:08 और सूर्यास्तमन शाम 5:40। बस आज का दिन शुभ रहे। पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नास्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। हमने यहाँ तक की चर्चा की है। न तत् न रूप ततः पदम् तत् परमार्गितव्यम्। ततः पदम्, ततः पदम् जब जुड़ जाते हैं तो ततः, ततः पदम्, ततः पदम्, ततः पदम् तत् परिमार्गितव्यम्। ततः पदम् तत्
परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः यस्मिन् गतान निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषा पुराणी प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् संसार अश्वत्थ वृक्ष रूप में है, उल्टा अश्वत्थ ऊर्ध्व ऊपर जिसके जड़ है और नीचे की ओर शाखाएं हैं, उसकी पत्तियां वेद के छंदस हैं। इसे जो जान लेता है वही जान लेता है, वही उसी वही जानता है। इसे जानना यह क्या है, उसका विस्तार आगे कुछ श्लोकों में है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, उसके शाखाएं ऊपर नीचे सब दिशाओं में फैले हुए हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, उसके जो प्रवाला यानी जो मृदु अंकुर है उन शाखाओं में जो आते हैं वे गुणों से प्रभावित, गुणों से उत्पन्न, गुणों से वर्धन उनका होता है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये जो उसके मूल है जड़ है ब्रह्मलोक तक बहुत गहरा सब ओर फैले हुए हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि, मनुष्य को इस मनुष्य लोक में कर्म में जकड़ते हैं, कर्म में बांधते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, वह जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उसका न आदि है न अंत है न उसकी कोई प्रतिष्ठा है स्थिरता है, नित्य परिवर्तनशील है, परंतु ऐसा लगता है कि उसका कोई आदि नहीं उसका कोई अंत नहीं। इस अश्वत्थ वृक्ष जिसके जड़ दृढ़ता से फैले हैं उसको निश्चय करके दृढ़ मन से उसको असंगत नामक शस्त्र से उसे जो काट लेता है, असंग इस शस्त्र से उसे काट जो लेता है, आगे के श्लोक आज की चर्चा में है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः,
तमेव चाद्यम पुरुष तमेव चाद्यम पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस अश्वत्थ वृक्ष को जो काट लेता है वह ब्रह्मलीन होता है, ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यानी उसके दिशा में प्रयत्न ही इसके बाद प्रारंभ होता है। अश्वत्थ इसको काटने के बाद असंग इस शस्त्र से यह वैराग्य प्राप्त होने के बाद, यह बंधन छूटने के बाद ही उस ब्रह्म पद की ओर जो प्रयाण है, जो प्रगति है, वह प्रारंभ होता है। वह कैसा लोग, वह कैसी स्थिति, न निवर्तन्ति भूयः। वहां जो जाता है, जो वहां पहुंचता है, वह पुनः इस भूमि में उसका जन्म होता नहीं, वह पुनः यहां आता नहीं। न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये। उस तत्व को उसके शरण में जाता है। तमेव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये, प्रपद शरण में जाता है, शरण में जाना है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अनादि काल में जिससे यह प्रकृति, यह संसार जिससे प्रकट हुआ है, जो इसका स्रोत है, इस संसार का स्रोत है, उसके शरण में जाए। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोह जितसंग दोष अध्यात्मविद्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययम् तत्। उस अव्यय पद को वह प्राप्त करता है जो असंग नामक शस्त्र से संसार के बंधन को तोड़ लेता है, जो मान मोह से छुटा हुआ है, मान मोह रहित है, निर्माण मोह। जित संग दोषा, संग के जो दोष है, संगत्व का जो दोष है, उससे जो छूट गया है, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म में लीन है, अध्यात्म में लीन है। निवृत्त कामा विनिवृत्त कामा, काम से जो निवृत्त है, काम से जो मुक्त है। द्वंद्वै विमुक्ताः, द्वंद्व से जो मुक्त है, संसार प्रकृति में जो द्वंद्व है, सुख दुख, लाभ नष्ट, मान अपमान, इन सब द्वंद्वों से जो मुक्त है, द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुख संज्ञे, सुख दुख जैसे जो द्वंद्व है, इससे जो छुटा हुआ है, मुक्त है। गच्छन्ति जो मोह से निर्मोही, मोह से जो छुटा है, अमूढ़ा, वह गच्छन्ति जब पहुंचता है पदम तत्
अव्ययम, वह अव्यय पद उस अव्यय पद को प्राप्त करता है। बंधन काटने से वह कैसा बनता है उसका लक्षण देखो, निर्माण मोह बनता है, निर्माण निर्मोही सेल्फ एस्टीम सेल्फ प्रेस्टीज सेल्फ इमेज निर्माण मोह निर्मोही मोह से छुटा हुआ निर्माण यानी जो सेल्फ एस्टीम सेल्फ इमेज ईगो इनसे छुटा हुआ निर्माण मोह जित संग दोषा संग से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों से वह मुक्त है। अध्यात्म नित्या अध्यात्म में नित्य वह लीन है, आत्म में स्वयं में लीन है, स्वयं में स्वस्थ स्वयं में स्थिर है। विनिवृत्त कामाह काम से मुक्त है निवृत्त है छुटा हुआ है, द्वंद्व से छुटा हुआ है, जो सुख दुख जैसे जो द्वंद्व है उनसे वह मुक्त है। गच्छन्ति पदम अव्ययम उस अव्यय पद को यह प्राप्त करता है। अश्वत्थ को काटता है ब्रह्म पद के ओर, वह वैराग्य प्राप्ति के बाद ब्रह्म पद के ओर वह प्रगति करता है। वह इस इन लक्षणों का होता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, अव्यय पद को प्राप्त करता है, जहां से वह इस भूमि पर वापस पुनः आता नहीं। निसंगत्वम सत्संगत्वम निसंग सत्संगत्वे निसंगत्वम सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलत्वम। यह संसार के बंधन को काटने के एक उपाय उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, किसी ऐसे निरपेक्ष कार्य में जिसमें से हमको कोई अपेक्षा नहीं, दूर दूर तक कुछ हमें जिसमें से प्राप्त होने वाला नहीं, प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, प्राप्ति का कोई स्वप्न नहीं, ऐसे जिस किसी सत्संग में किसी अच्छे कार्य में स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्वम उसमें से सत्संग से हम निसंगत बनते हैं, वैराग्य संग छुटता है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम यहां जो कहा निर्माण मोहा जितसंग दोषा संग के दोष से छुट जाता है, उनको जीत लेता है, मान मोह से छुट जा रहित है, मान मोह रहित है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, निर्मोहत्व से ब्रह्म पद की ओर चलता है। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही।
वह इस संसारी जीवन से मुक्त हो जाता है। श्री आदि शंकर ने अपने भज गोविंदम में यह कहा, यह गीता का इन इन श्लोकों का सार है। वैराग्य, राग अनुराग, राग द्वेष, इनसे मुक्त, राग रहित, न आकर्षण न विकर्षण, न राग न द्वेष, दोनों बंधनकारी हैं। उस वैराग्य नाम के शस्त्र से इस बंधन को काटना है। हम इसके इसके प्रयोग क्या हो सकते हैं, तो एक हमने चर्चा किया कि ऐसे किसी कार्य से जुड़ना, पर ये सभी संसारी कार्य है, करना है वेद का रक्षण तो व्यवस्था बनाना है, व्यवस्था वहां बच्चों को भोजन खिलाना है, उनके निवास व्यवस्था करना है, इन सब में व्यय है, पैसा लगता है, और लाखों में अब किसी भूमि खरीदना है तो एक स्क्वायर फुट के हिसाब से है, स्क्वायर फुट के 2,000, स्क्वायर फुट के 3,000, 6,000 तक, 5,000, 6,000, तो पर्याप्त भूमि यदि प्राप्त करना है 100-150 बच्चों के लिए, तो 1-2 करोड़ उसमें लागत। फिर भवन बनाना है, उसमें सब प्रकार की व्यवस्थाएं, कम से कम न्यूनतम व्यवस्थाएं तो होना चाहिए, बच्चे रहने वाले हैं, दूर दूर से आते हैं। कल मैं जिस वेद पाठशाला में था, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 आयु के, 7-8 आयु के, बस उपनयन संस्कार हुआ और वेद पाठशाला में भेज दिया। यहाँ शुक्ल यजुर्वेद भी पढ़ाते हैं, तो बिहार से, बक्सर से कुछ बच्चे हैं, बक्सर से लगभग 30-35-40 बच्चे हैं उस वेद पाठशाला में, वहाँ शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया जाता है। तो भवन की आवश्यकता है, नित्य भोजन, जो अतिथि वहाँ बच्चों के माँ पिताजी आते हैं, अन्य अतिथि आते हैं, सहायता करने आते हैं, तो उनके सबकी भोजन की व्यवस्था, तो जो कार्य करते हैं, कर्मचारी हैं, उनके पगार की व्यवस्था, वेद पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वह कोई सन्यासी है नहीं, उसका गृहस्थ है, उसके बच्चे हैं, तो उसको अच्छा कोई सम्मान के साथ वेतन हो, जिससे वह अपना संसारी जीवन व्यवस्थित जी सके। बेचारा ऐसे अन्यों के आंखों में ना दिखे, तो इसके लिए धन की आवश्यकता है, और धन अर्जन करना, अब इतना बड़ा धन यदि हजारों में संख्या में सभी देते हैं, 1-1 रुपया भी दिया तो हो गया, यह कार्य हो जाता है। लाखों में जब देते हैं तो प्रत्येक ने महीने का 1 रुपया दिया तो हो जाता है। श्री परमाचार्य 1 रुपया और 1 मुट्ठी भर चावल, बस 1 मुट्ठी भर चावल, इस प्रकार के वेद संरक्षण के जो प्रयोग है उनको दें।
ऐसा कहते थे। पिड़ी अरसी तिट्टम, मुट्ठी भर चावल योजना और एक रुपया, तो महीने भर में जो बनता है अपने घर में एक अलग थैली में निकाल के रखा, और वह आता है कोई इन सबको संग्रह करता सभी चावल को, तो 100-150 घरों में से यदि मिलता है तो 100 बच्चों के लिए तो हो गया एक महीने का चावल। परंतु तो ऐसा होता नहीं, सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, बुद्धे हुए हैं, तो किसी बड़े धनी के पास जाना पड़ता है। धनी बड़ा धनी है तो धनार्जन हुआ है, तो कोई धार्मिक मार्ग से हुआ है हम जानते नहीं। वहां जो जो अन्याय करना पड़ता, अधर्म करना पड़ता, उसके प्रायश्चित स्वरूप में इस प्रकार सत्कार्य को पैसा दे देते हैं, भूमि देते हैं, तो इन बातों में बहुत ऐसे जटिल विषय है। करना बड़ा कार्य है, दिव्य कार्य करना है, वेद का रक्षण करना है, वह दिव्यता है दृष्टि में, परंतु रोज दैनिक जो उसमें करना है वह तो ऐसे साधारण कार्य। वहां जो कर्मचारी है रोज उसको झाड़ू लेकर सफाई करना है, पोछा लेकर पोछना है, वहां जो रसोई में जो माता है वह तो उसे सब्जी काटना है, चावल बनाना है, रोटियां बनाना है, तो दैनिक जो कार्य है वह तो ऐसे साधारण दिखने वाले कार्य। इस कार्य में निरपेक्ष भावना से दिल लग सके तो वहां जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं से उन्हीं की यह दशा हो जाती, वेद के संगत में है, परंतु वे सब संग दोष में फंसे हुए हैं। अपना परिवार वेद के संगत में होते हुए, वेद की ध्वनि नित्य नित्य सुनते हुए, जब झाड़ू मार रहा कोई तो झाड़ू मारते मारते वेद से वहां सुनता है, तो वह तो चाहे किसी भी जात का हो वह तो 2-3-5 वर्ष में वेद स्वयं सीख रख सकता है श्रुति से, श्रवण मात्र से, तो इतना समीप है, इतना समीप वेद के, और वेद दिव्यता है, परंतु वह दोष संग दोष अपना घर वहां इस वेद परिसर के बाहर, अपना परिवार, अपने बच्चे, बच्चे को कोई अंग्रेजी माध्यम में सिखाने की इच्छा, वहां की आवश्यकताएं बढ़ा चढ़ा कर जो अपने स्वप्न है पहुंचना है, खरीदना है, प्राप्त कर लेना है, तो दिव्यता के इतने समीप रहते हुए भी वे इस दोष में फंसे हुए हैं। सो वेद सुनने मात्र से कोई निसंगत्व होता नहीं, उस कार्य में लगे हुए उस परिसर में रहते रहते जो निरपेक्ष भावना मन में, करना तो साधारण कार्य है, वेद का रक्षण कहकर कोई दिव्य कार्य ऐसा तो है नहीं, हमने हाथ से पैर से तो साधारण कार्य करना है संसार में, साधारण कार्य करते करते उसमें निरपेक्षा अनपेक्षा और अनपेक्षा से निसंगत्व, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है तो उसमें निसंगत्व निरपेक्ष, निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं। कल एक बड़े प्रोफेसर से बात कर रहा था तो उनके परिवार के विषय में पूछा, तो पहली भावना जो प्रकट हुई उनके शब्द में
दो पुत्र हैं, दो पुत्र, ऐसा यानी निराशा, उन पुत्रों से अपेक्षा थी, वह अपेक्षा भंग हो गया। अपेक्षा भंग होने के उस वजह से मन में दुख, तो बच्चों को पालते हुए भी, पालन पोषण में भी निरपेक्ष कैसा हो सकता है? उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति, न्यायी आवश्यकता, जितने धार्मिक आवश्यकता है, जितने न्यूनतम न्यायमय आवश्यकताएं हैं, उनके पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयास करें, पूर्ण प्रयास, कोई कदर न छोड़े, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करने। परंतु उनसे कोई कुछ अपेक्षा ना करे, पानी लेकर आओ, थाली लगाओ, ऐसी अपेक्षाएं भी ना करें, अपने कपड़े धो डालें। कल वह एक सीबीआई के इंस्पेक्टर हैं, उस भोजन, उस वेद पाठशाला में वेद सूक्त सीखने आए थे। वे कह रहे थे, मेरे शरीर में शक्ति है, बल है, तो जो छोटे बच्चे हैं, 6 आयु के, 8 आयु के, उनके कपड़े धो डालूं, ऐसा ऐसा मैंने सोचा। यहाँ शनिवार रविवार यहाँ बिताता हूँ तो कपड़े धो, ऐसा सोचा। तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई, ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, जो स्वयं के अपने कपड़े धो नहीं सकते, उनको मुझसे परिचय करा दो। तो जहाँ 150 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा आया। उन्होंने सबसे पूछा, सभी मना करते रहे, एक बच्चा आया, छोटा ही था, 7 साल का होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई, तुम्हारे कपड़े तुम स्नान के बाद मुझे दे दो, आज और कल मैं यहाँ रहूंगा, मैं धोकर दे देता हूँ, तुम्हें धोना सिखा देता हूँ। तो बच्चा ने कुछ बोला नहीं, मान लिया। फिर वहां से जाते जाते, उस कमरे से बाहर जाते समय, वह जो बड़ा था अध्यार्थी, विद्यार्थी, वेद अध्यापन जो कर रहा था, वह विद्यार्थी ने उस बच्चे को कुछ बताया, और बच्चा बस दरवाजा से वापस आया और कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मेरे कपड़े मैं स्वयं धो लूंगा, मैं कोई बड़ा कार्य में हूं, लगा हूं, मेरी सेवा करें आप। ऐसी अपेक्षाएं अपने बच्चों से भी अपेक्षा न करें, निरपेक्ष भावना से। जो परिवार नाम कर बंधनकारी जो कार्य है, उसमें भी निरपेक्ष भावना से लगे, उनकी सभी आवश्यकताओं को, इन्हें लोभमय आवश्यकताएं नहीं, न्यायमय आवश्यकताएं, जितने आवश्यक है, अच्छी पढ़ाई की जो आवश्यकता है, अच्छे कपड़ों की जो आवश्यकता है, अच्छे सुखमय जीवन के लिए जो आवश्यकता है, घर के व्यवस्था के लिए जो साधनों की आवश्यकता है, वे सब पूर्ति हो, उसके लिए पूर्ण पूर्ण कार्य में लगे, पूर्ण प्रयत्न करें। 60%, 70% उसमें कोई कार्य काम चोरी न करें, परंतु उनसे कोई प्रति उपकार, उनसे कोई अपने स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। ऐसा परिवार में हो सकता है? बड़ा कठिन है। और ऐसा यदि हो सकता है तो दिव्यता के संग यह प्राप्त हो जाता। मैं उस वेद पाठशाला में देखा कि इतने पास रहते हुए, नित्य नित्य वेद श्रवण करते हुए, और उनके मन में यह संग दोष होता है, तो उनको निसंगत्व का अनुभव होता नहीं,
वेद के दिव्यता का स्पर्श होता नहीं। जो मंदिरों में प्रतिमा को रोज देव विग्रह को जो रोज स्पर्श करता है, रोज उसके नए वस्त्र पहनाता है, उसके साथ संवाद करता है, वह जो पुजारी है, जो वह जो अर्चक है, वह कोई दिव्यता प्राप्त नहीं करता, अपने अंदर दिव्यता का अनुभव नहीं करता। वह तो अपने संग दोष में फंसा हुआ है। इसमें से क्या परिवार में पैसा क्या मिलेगा, वेतन क्या मिलेगा, जो धर्म करता है, मंदिरों के निर्वाह जो कर रहे, वह धर्म करता आता तो नाटक करता, उसको संतोष खुश करने का प्रयत्न करता, उसके निजी कार्य करता, तो उसको इस विग्रह को की पूजा अर्चना करते करते करते, परंतु उसके मन में दृढ़ बैठा हुआ है तो मेरा तो जो निवारा इस धर्म करता जो व्यक्ति है जिसने मंदिर बांधा है उसके हाथ से होने वाला है, यह देव से नहीं। मुझे पेट का भोजन यह देव नहीं दे रहा, यह धर्म करता दे रहा। तो वह उसको संतोष कराने में प्रयत्न में लगता। इसके स्पर्श से, देव विग्रह के स्पर्श से, इन मंत्रों से वह स्वयं को अछूत रखता, अस्पृश्य रखता। स्वयं ये मंत्र के दिव्यता स्वयं को स्पर्श करने देता नहीं। इसीलिए यहां कहते हैं, जहां निस्संग हुआ, इन बंधनों को तोड़ा काटा, तो वह ब्रह्म तत्व की ओर प्रगति उसकी होती है। और वह निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, ऐसा वह होता है। उस ब्रह्म के शरण में जाओ, परंतु वैराग्य नाम से शस्त्र से इस बंधन को काटो। हमारे लिए आह्वान है जीवन में, ऐसे कहते हैं चैलेंज या प्रॉब्लम। कोई भी कार्य मेरे लिए बड़ी समस्या है, यह भार है, सर पर भार है, बोझ है, ऐसा सोचे तो मन में दुख होता। यह कार्य को शीघ्रादिशीघ्र समाप्त करने की इच्छा होती, उसमें से छूट जाने की इच्छा हो जाती, उसमें से जो फल मिलने वाले हैं उसके ओर दृष्टि रहती। उसको यदि समस्या समझे तो, समस्या समझने से हमने मानो मान लिया है कि इसमें से हमको यह यशस्वी होने वाला नहीं, तो कल जाकर अपयश में रोने के लिए आज वह कारण ढूंढ रहा। यह तो बड़ा प्रॉब्लम था, बड़ी समस्या थी, बड़ा कठिन था। परंतु उसी कार्य को यदि आह्वान आह्वान समझ ले, इट्स अ चैलेंज, तो मन में उत्साह हो जाता, दृष्टि बदल जाती, करने की इच्छा होती, उसमें पूर्णतः उसमें लीन लग्न मग्न होने की इच्छा हो जाती, और यश के ही संभावना अधिक हो जाती। तो यह दृष्टिकोण बदलने से पूरा संसार बदल जाता है। उस प्रकार अपने कार्य, जिस कार्य में संसारी कार्य में लगे हैं, दिखने में अब यह पत्नी वहां रसोई घर में है तो दिखने में तो बहुत साधारण कार्य कर रही, कोई गटर साफ कर रहा तो यहाँ यह वहां के सिंक बर्तन मारने वाले वहां के सिंक साफ कर रही है, स्वच्छ कर रही, बर्तनों को स्वच्छ कर रही,
वह जो चूल्हा है गैस है उस चूल्हा को शुद्ध स्वच्छ कर रही, रोज रोज पोछा मार रही, घर के ये पूरे जो फर्शी है इस पर पोछा मार रही, झाड़ू मार रही, ये सभी दिखने में सभी साधारण कार्य है। कोई बड़ा दिव्य ऊंचा, कोई प्रशंसनीय ऐसा वाह 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 आप क्या बड़े कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य नहीं, परंतु उसको वह एक दिव्यता से कर रही है। रसोई घर में प्रवेश करने के पहले स्नान करके प्रवेश करें, अच्छे वस्त्र पहनकर उस कार्य में लगे, दिव्य देवों के देवता के श्लोक कहते हुए मंत्र कहते हुए रसोई करें, तो उसमें उसमें से वह दिव्यता का अनुभव कर लेती है। हमें संसार में साधारण गणित में 2 + 3 = 5, कोई अकाउंटर है कोई ऑडिटिंग करता है तो उसे तो केवल गणित करना है, यह रकम को यहाँ डालना कि वहां डालना, यहाँ डालना तो इसका रकम कुल रकम इतना, यहाँ डाला तो इसका कुल रकम इतना, बस यही गणित करना है। दिखने में तो यह साधारण कार्य है, परंतु वह कार्य में निसंगत्व हो सकता है क्या? निसंगत्व उसके लिए प्रयोग करना पड़ता, उसके लिए कोई अन्य प्रयत्न करने पड़ते, और निसंगत्व निर्मोहत्व अपने स्वयं स्वयं में यदि जागृत हो जाए तो फिर दिव्यता के हमें उसका दर्शन हो जाता, निश्चल तत्व का दर्शन हो जाता। बड़ा सुंदर है एक उनके श्री कृष्ण की कथनी है, पुरुषोत्तम योग में वे इस प्रकार के पहले 5 श्लोकों में इस विषय कह रहे हैं। अब उस ब्रह्मलोक ब्रह्म तत्व जो ब्रह्म स्थिति है उसका वर्णन होगा। अब तक जो प्रयत्नशील है जीवात्मा है उसका वर्णन था, अब उस लोक का वर्णन है आगे के श्लोक में। हम उसकी उसकी कृपा से उसके अनुग्रह से वह चर्चा हम कल करें। आज के लिए हम यहाँ समाप्त करें। सभी को नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।